अरे वही वही माहौल वाला जवाब ना, और बेटा कैसे हो? हालात कमा रहा हूँ लेकिन आज हूँ कल तक नहीं रहूंगा, मेरा भी वक्त आएगा और बुड्ढे तेरी मार दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। क्या लगा एक हफ्ते एक एपिसोड हमने बात नहीं की तो भूल गए भाई? जब तक कमेंटों में गाली गुफ्तार चलती रहेगी। किसी ने क्रैक कर लिया अभी कमेंट में? हाँ। तुम्हें क्या लगता है इन्हें फिल्म सही में नहीं पसंद? इनको भी पता है इससे एंगेजमेंट आती है इसलिए करते हैं। तो हमारा सीक्रेट भी आउट हो गया है, उसके बावजूद हम करते रहेंगे। एक्चुअली ये भी है, लेकिन ये फिल्में तो हमें और भी ना पसंद है, पर ये वही की इसमें थोड़ी गाली गुफ्तार होती है तो मजा आता है। मजा आता है, गाली गलौज भी नहीं और टू वे चलता है। टू वे चलता है, अपन ने टांग खींच ली, तुमने गाली गुफ्तार कर ली, गाली गुफ्तार कर ली, मजा सा आ गया। बट अदर देन दैट, इसी चीज पे इस बार हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जो एक कमेंट में एक हमारा जो एक संगठन डेवलप होता जा रहा है। संगठन कहेंगे, फैमिली नहीं कहेंगे, क्योंकि फैमिली का जो फैमिली तो हाँ भाई, फैमिली तो आपको पता है फैमिली में कौन रोनी तुरा निकला है। हाँ वही ना, कौन किसके थप्पड़ लगा रहा है, कोमोली का निकला है भाई। नहीं, वो पिछली वीडियो में एक में थंबनेल में तो लग गया, वीडियो में ये पार्ट एडिट हो गया था जहाँ पे हमने बाकायदा आपको ऐसे वर्चुअल लग दिया। ये अपनी साइड से भी आप हाथ फैला के अपने स्क्रीन को, फोन मोबाइल को, टीवी को, बट ये हमें देख के खुशी होती है कि अब इसे लोग मिलने भी लग गए आजकल बाहर निकलते हैं। तो अपन वो हमसे सीधा 8,000 वाली बातें कर रहे हैं। 8,000 वाली बात मतलब ऐसे ऐसे लोग करते जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। कोई कहीं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा, मुझे लगा ये तो आगे इंग्लिश में 4 तारीफ कर जाएगा, बुराई कर जाएगा, कुछ करेगा, वो भी कि नहीं दैट 8,000 थिंग। तो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, हमें देख के खुशी होती है, एंड वी जस्ट थॉट ऑफ सेइंग थैंक यू टू यू। अब लेकिन भाई सब जगह इतने अच्छे संबंध नहीं है, अब जो हो रहा है संबंधों में खटास आनी शुरू हो रही है। कहाँ खटास आ रही है? तमिलनाडु से एक स्टेटमेंट आया है कि हिंदी भाषी लोग तो यहाँ आके गोलगप्पे बेच के चले जाते। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आते ही हमें बनाने ढंग के आते ही हमें आते हैं। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ इंडियंस ही हैं जिनको बढ़िया गोलगप्पे बनाने आते हैं, उनको तुम चाहे फिर पानी पूरी बोल दो, बताशा बोल दो, भाई किसी को नहीं अच्छे बनाने। आज भी आते मुंबई गया था पहली बार अंदर, उसमें गरम गरम थूक दिया मैंने तो सही में। ये क्या है भैया, क्या मजाक है? और एक तो मतलब चलो भाषा का सम्मान करना चाहिए, बट रगड़ा रगड़ा का आप बीच कैसे सकते हो? रगड़ा क्लोजेस्ट कचरे से लगता है कि कचरा रगड़ा। और ये पता है मुंबई में ऐसे ही नाम है, ऐसे नहीं कि रगड़ा का कुछ बहुत इतिहास रहा होगा कि फट उनको हर चीज ऐसे लगती है ना कि नाम भी ऐसे हो, खा भी ऐसे ले, सब कुछ फट से चाहिए, तो नाम ही रगड़ा रख दिया यार। अब रगड़े के मैं तो पैसे नहीं दे सकता। रगड़ा क्या होता है? क्या हो सकता है ये बात सुन के अब कोई ऑफेंस ले जाए तो उससे मेरा रगड़ा हो जाए? रगड़ा ये साउंड करता है कि भाई आज लोकल में अपना रगड़ा हो गया, उधर बहुत रगड़ा है भाई उस शहर में। लेकिन ये तमिलनाडु वाले भाई साहब ने तो रगड़ा करने की कोशिश करी है। हाँ अच्छा, जो खुदाई उदाई चल रही है जिसपे हमने बात भी की कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो आना चाहिए, सही है भाई, हमें अपनी हिस्ट्री को पूरा उसका भी सम्मान देना चाहिए। लेकिन एक इंटरनेट पे ये भी नया वायरल चल रहा है कि जो नोएडा में फिल्म सिटी है, हाँ उसके नीचे मंदिर है, उनके नीचे मन का है, हाँ, शिव जी का। मैं तो कह रहा हूँ खुदाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, एक तरफ से सारे ऑफिसों की खुदाई होनी चाहिए और चेक करना चाहिए कि अगर इस खबर में सच्चाई है तो। और सच्चाई है भाई, मैं तो मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ इसका, और सच्चाई सामने। और ये तो ऐसे लोग हैं भाई जो आगे बढ़ के ये न्यूज़ सुनाते हैं, तो इनको तो खुद से ये तो आगे आना चाहिए कि कोई एक दिन लैपटॉप लेके आए ऑफिस, हथौड़ा लेके आए, अपने केबिन से शुरू करें, अपने अपना केबिन खोल ले बस, और क्या भाई वहां से शुरुआत करें, सच्चाई पता चल जाएगी। तो ये इनको करना पड़ेगा, और ये मैं बता रहा हूँ एक शुरू कर देंगे सब कर देंगे, क्योंकि देख एक ने एक तरीके की डिबेट शुरू की थी। अब शाम के नाम पता ना कैसे होते, दंगल घुसंड, इसी पे आने रह गए, घमासान, हाँ, घमासान, आर पार यहाँ तक तो आ गए, बस एक लेवल और गिरेगा इनका, फिर जैसे घुसंड मुक्की देश की घुसंड मुक्की, बस घुसंड मुक्की के आगे देश लगा दे, वही बन गई एक न्यूज डिबेट। अभी ये घुसंड मुक्की हो रही तो क्या लग रहा है, सर्वोदय के दो बच्चे कर रहे हैं, यही कोट पहन के मैं कर दूं, देश के लिए करते हैं घुसंड मुक्की। तो आपको लगा भाई क्या न्यूज चल रही है, और ये देख, और इसको अगर भाई तुम्हें लग रहा हो घुसंड मुक्की अच्छा नहीं है, तुम्हें लग रहा हो भाई घुसंड मुक्की कितना अच्छा नाम है, मैं तो कह रहा हूँ हमारा हैशटैग हो सकता है घुसंड मुक्की। नहीं जैसे अब ये है कि अभी नया करना है कुछ, हाँ, हाँ। तो कुछ ऐसे गुलजार साहब टाइप शेर शार भी डालो, उसका नाम गाली गुफ्तार रख लो। गाली गुफ्तार तो उनकी हर शो पे हो रही होती है। पहले भाई न्यूज होती थी कि किसी ने भड़वा बोल दिया, दलाल बोल दिया, फट जाती थी कि भाई अब नहीं चुप तुरंत कराते। अब तो अब वो पहले एक डेढ़ मिनट मजे लेते हैं कि मीम तो कट जाए, इनफ मटेरियल तो मिल जाए, फिर देखिए गलत कर रहे हैं, और अब वो भी उसमें पहुंच गए कि तेरी बहन और
यहाँ तक लेवल इनका आ गया भाई, आ गया। तो इसको शो का नाम भी घुसड़मुखी कर दो फिर। क्यों इसे आर पार और दंगल तक तुमने रोक रखा है? एक बंदा मुझे बता रहा था ऑनलाइन ऐसे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो अपने न्यूज चैनल फॉलो नहीं करते, वो भी यहीं के फॉलो करते हैं अपडेट। उनका अपने देश के बारे में पता वहीं से चल रहा होता है। उनके जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वो अब जी न्यूज लगा के बैठ जाते हैं कि हाँ वो जीडीपी गिर गया। अच्छा रहीम भाई नोट कर ले, हमारी जीडीपी गिर गई इतनी चल रही है और हाँ। इसका फोरकास्ट इतना है कि इस साल में इतना कर लेंगे। ये देखें, ये सुधीर चौधरी बता रहे हमारे कितने लगे हुए, ये तो हमारे वाले तो कुछ बताते ही नहीं है उनका मेन। और सच में न्यूज चैनल इतने बटे हुए हैं ना, एक को देख के आपको लगता है कि हम तो कितने बढ़िया चल रहे हैं, एक को देख के लगता है कि अभी दो साल बाद हम सुपर पावर होंगे। हाँ, और एक को देख के लगता है हम तो श्रीलंका से नीचे अगले महीने। हाँ, एक को देख के लगता है शिट मैं लोन कैसे भरूंगा यार। हाँ, तो भाई बीच की खबरें कोई दिखाता ही नहीं, ये सबसे बड़ी बीच की खबरें फिर आरबीसी मीडिया, आरबीसी न्यूज पेपर। हाँ यार, हर सुबह सुबह सरकार के चला जाता हूँ और मैं वहां पढ़ता हूँ। ओके, अच्छा क्रिकेट में अच्छा आरबीसी न्यूज, बाकी न्यूज पेपर का आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है। लाइक करो, लाइक कर दो। वो भी तो हुआ है, क्या हुआ है वो जो के कांस वाली। हाँ, नहीं है बेटा, जिस दिन पहुंच जाएगा तो उस दिन फिर बोलेगा कि ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ कमिंग हियर। जब तक कार्तिक आर्यन हमें पसंद नहीं था, हाँ तो बकरी लगता, तो उसकी फिल्म बकरी लगती थी, फिल्म अच्छी लगी तो बड़ी हो गया हमारा, बड़ी हो गया। अब दिल्ली में दो बड़ी हो गए उसके नए। ऐसे ही कांस वाले एक दिन बुला ले, अगर देख रहे हो कांस भाई साहब, हाँ जो भी वहां भाई साहब दे कांस, भाई साहब दे कांस, कान खोल के सुन लो, ले कांस पाजी, अगर आप देख रहे हैं तो बुलाओ हमें, अगर इज्जत चाहते हो हमारी तो हम तुरंत कल पलट जाएंगे कि फेस्टिवल क्या दिवाली कांस होता है भाई। भाई मेन फेस्टिवल ही है देश का, मेन फेस्टिवल हमारा तो ये होली दिवाली क्या होता है, कुछ नहीं भाई तो। लेकिन हाँ भाई, वही बोल, और वहाँ पे उसकी देखा मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात नहीं आती कौन सी शॉर्ट फिल्म बढ़िया चली, कौन से डायरेक्टर आती है। न्यूज पेपर हमें क्या बताता है किसने क्या पहना, और उसमें दो लोगों की लुक की बहुत चर्चा हो रही है। एक तो दीपिका पादुकोण, उन्होंने तो लग रहा है काजल की शीशी काली खाली कर दी है। मुझे ऐसे बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं क्या लगाया, मुझे भी नहीं, दूर से देख के ऐसा पता चल रहा है कि कुछ आंखों पे बहुत ज्यादा लगा लिया है, और उसमें वही दोनों तरह की चीजें चल रही है, कुछ वही यू स्ले क्वीन, क्वीन यू ड्रॉप्ड योर क्राउन, अरे कुछ कोई क्या चुड़ैल लग रही है तो मिक्स्ड रिएक्शन है। बीच के तो कुछ होता नहीं है। इस हफ्ते जो हमने दूसरी फिल्म देखी दोस्तों, और ये भी उम्मीदों के विपरीत निकली, हमने देखी धाकड़, और मतलब सिर्फ एक्शन ही एक्शन निकला, कुछ समझ नहीं आया मतलब। एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कंगना, मतलब उसने अपने लेवल पे सही किया। इससे पहले तुम ये कमेंट में आ जाओ कि तो उस जहर उगलने से पहले तो हाँ चिढ़ते हो उससे, तुम वो हो बॉलीवुड की चाटने वाले ये नया बोलने लगे हैं साली तो कंगना क्या है, बॉलीवुड नहीं है उसका, अलग है कुछ पता नहीं भाई क्या मानते हो, डिटेल में बात करते हैं। बट जो हम सोच के गए थे उससे अलग निकली फिल्म, और थोड़ा सा हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं होती। फिल्म के लीड रोल में है कंगना रनौत, वो बनी है अग्नि, जो कि है एक स्पाई हाँ, और वो है वो एसेट बोला जाता है ना ऐसे, जो वो है मतलब हिडन एसेट है। ITF नाम की एक एजेंसी है जो हाँ। कि एक तरह की सुरक्षा एजेंसी है, रॉ टाइप की एजेंसी हाँ। है जो देश की सुरक्षा का जिम्मा है जिनके ऊपर, उनकी एक एजेंट हाँ। है ये अपनी अग्नि हाँ, एक्चुअली एजेंट इज द कूल वर्ड। स्पाई से फिर भी आपको वो फील नहीं आती है, लेवल है डिटेक्टिव तो एकदम ही चोरी चकारी सुलझा वो, तो फिर वही कि भाई किसी का पति चक्कर चला रहा है तो वो पत्नी ने बोल दिया पता कर ला टोपी तिरछी टोपी लगा के मुंह में पाइप डाल के अब पूरी CCTV आई निकाल के बता दे किससे लफड़ा चल रहा है, किससे अवैध संबंध है, अवैध संबंध। तू तो अफेयर मत बोल यार, हम तो अवैध संबंध वाले उससे आते हैं, गुड से सॉरी हाँ। तो ये हो गए डिटेक्टिव, फिर इनसे ऊपर होते हैं स्पाई थोड़े, और जैसे आप बने एजेंट तो टाइगर हो फिर आप, फिर सीधे तो एजेंट है वो एक तरीके की अग्नि, और उनकी जो रिपोर्टिंग है वो है भाई बॉब विश्वास को अपने, बॉब विश्वास है भाई, बॉब विश्वास तो फिर स्पाई जगत के पहले शार्प शूटर थे, वो पहले शार्प शूटर थे, जासूस तो तब भी थे, इस बार वो एजेंसी में हाँ एजेंसी में टॉप लेवल के हैं। शाश्वत चैटर्जी जिनको हमने बॉब विश्वास में देखा था ओरिजिनली, मतलब बॉब विश्वास में ही देखा था एक्चुअली, कहानी में एज बॉब विश्वास देखा था, वो अब यहाँ पे एकदम टॉप चेन ऑफ कमांड में टॉप पे दिखते हैं। अग्नि उन्हीं को रिपोर्ट करती हैं, उनके कहने पे आगे पीछे चलती हैं, और उसके अलावा है भाई अर्जुन रामपाल, एक तो उस आदमी को इतने दिनों बाद देखा, उतना ही जवान, मैंने पहले उतना ही जवान, उतना ही हैंडसम हाँ, गुड लुकिंग मतलब क्या। और ये आपको देख के अगर लग रहा हो कि भाई ये जीन्स तो आपको कहीं इसके लिए छतरपुर में पैदा होना पड़ता है, बैंड्रा के आगे पैदा होना पड़ता है, वो जबलपुर का निकला हुआ आदमी, मैंने पूरा गूगल उसका छाना, मैंने कहा इतना सुंदर ये कैसे मिली से जीन्स, कहाँ कौन से हवा पानी पिए, तो जबलपुर से। कैरेक्टर का नाम है उनके रुद्रवीर, और वो बेसिकली क्या है, वो अपनी एक गैंग चलाते हैं, और वो भी वैसे ही है एक
खान है उनके पास, खान है उनका कोयले की है, रॉकी भाई के पास सोने की, रॉकी भाई के पास सारा सोना तो रॉकी भाई के पास था ना, फिर इंसान भी बचा गया, कोयला ढूंढना, कोयला ढूंढना है। तो वो अपनी एक खान चलाते हैं, उन्होंने एक गैंग बना रखी है जिसमें वो बच्चों को भर्ती करते हैं, एक आइडियोलॉजी को फैलाते हैं उनके बीच में, और विलेन है इस क्राइम में उनकी पार्टनर है दिव्या दत्ता, जिनके कैरेक्टर का नाम है रोहिणी। और रोहिणी आपको पता है दोस्तों, औरतें अभी भी गलत धंधे में आगे क्या कर पाती, हमने ये पहले भी लिया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिला मतलब महिलाओं की ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग जो है वो भाई महिलाओं को भी मेन स्ट्रीम क्राइम में डाल ही नहीं रहे, उल्टा भी तो दिखा सकते थे कि भाई ये खदान चलाती हैं, अर्जुन रामपाल ये करता है, नहीं महिलाएं तो महिला क्या करती होगी, और आई कैसे होगी क्राइम जगत में, उसके साथ हुआ एज ए हाँ, फिर उसने जिसने जिसने उसके साथ किया उसने उसको मार दिया, और ये नहीं कि अब हम बंद कर देंगे, अब मैं करूँगी, इतना तो बजरंगी भाजन तक में भी दिखा दिया है। तो पता नहीं महिलाओं को मेन स्ट्रीम क्राइम कब देंगे, अभी भी यही दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों शारिब हाशमी भी है फिल्म के अंदर, जो कि कंगना जब एक असाइनमेंट पर इंडिया आती है विदेश से, तो उनके राइट हैंड मैन बने हुए हैं, उनकी हेल्प, उनकी एसेट है, उनकी एसेट है, वो देश की एसेट है, ये उनके एसेट है, ये बढ़िया सीख गया, ये स्पाई लिंगो है कि ही इज एन इंपॉर्टेंट एसेट, हम तो होते हैं इस वर्ड हैंडलर, हैंडलर एसेट, हैंडलर, अच्छा हम हैंडलर वाले हैं, बाकी जनता चैंडलर वाली है, फ्रेंड से बाहर नहीं निकलते तो भाई, लड़की बात करना अगला मैसेज बंद कर देती है, पूछते फ्रेंड्स देखा, मैं मना कर देता हूँ, ब्लॉक, फिर अचानक मुझे डीपी नहीं दिखती उनकी, मुझे लगता है सैड हो गई है, फिर मेरे मैसेज का ब्लू टिक नहीं जाता, डबल टिक नहीं जाता, फिर मुझे ऐसा लगता है सिर्फ जुकरबर्ग ही पड़ रहा है, फिर मुझे लगता है शायद इसका नेट खत्म हो गया, कल तो आ जाएगा, कल आ जाएगा, दो तीन दिन ऐसा ही होता, फिर मैं समझ जाता हूँ कि मैंने फ्रेंड्स नहीं देखा, ब्लॉक हो चुका हूँ क्योंकि फ्रेंड्स नहीं देखा। फिल्म की कहानी शुरू होती है कि अग्नि एक बहुत बड़ी एजेंट है और वो एक मिशन पे जाती हैं और अपने एक साथी को खो देती हैं, बहुत पिटाई विटाई करती हैं, जबरदस्त एक्शन करती हैं, और ये सब चल रहा है हंगरी बुडापेस्ट में, विदेश में, विदेशों में भाई क्या हो रहा है, विदेशों क्या कर रही है उनकी पुलिस, वो उनकी नाक के नीचे से हमारे लौंडे जाके काम करके काम, सारे क्राइम विदेशों में हो रहे हैं इस टाइम, यूपी में तो क्योंकि एनकाउंटर हो जाते हैं, बुलडोजर घर पे, बुलडोजर चल जाते हैं, यूपी तो क्राइम फ्री है, हाँ यूपी क्राइम फ्री हो चुका है, और बाकी अखंड उत्तर प्रदेश है, योगी जी ने जब बोला ना अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे, उत्तर प्रदेश छोड़ दे, बुडापेस्ट कह रहे चलो भाई फिर ठंडी जगह चलो, तीन चार म्यूजिक वीडियो भी शूट हो जाया करेंगे उधर अपनी, और क्राइम भी वहीं कर लिया करेंगे। तो वहां से कहानी शुरू होती है कि जब उन्होंने एक क्राइम सुलझाया और अपने एक साथी को खो दिया है, और हम देखते हैं कि उनको एक प्रॉब्लम भी है, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हाँ उनके पिता की जान चली गई थी ऐसी परिस्थितियों में जब वो छोटी थी, अकेली थी, वहां से उनको इन्हीं ने बड़ा किया है, जो बॉब विश्वास है अपने उन्होंने इनको पूरा नर्चर किया है, ट्रेन किया है, बनाया है जो आज ही है, और ये मतलब अपने काम में एक नंबर है, जाके बंदों को खत्म कर देती है सिंगल हैंडेडली, मिशन किलर है, किलर। अब फिर फिल्म आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि एक्चुअली ये किन लोगों को चेज कर रहे हैं, तो ये चेज कर रहे हैं अपने दिव्या दत्ता और अर्जुन रामपाल को, जो दो लोग हैं जो मेनली पूरे सेंट्रल एशिया में विमेन ट्रैफिकिंग का धंधा चला रहे हैं, इसमें इंडिया से, ये वाले वीडियो भी तो आजकल बहुत चल रहे हैं कि रॉकी की माँ ने उसे कैसे बिगाड़ा, कि रॉकी है ये झुके, उसकी तो माँ भी उसमें बात करती थी, चिल्ला चिल्ला के बात करती, मुझे लगता है कि जैसे अपने बचपन में सबको कैसे चलना सिखाया जाता है कि पहले घुटमन चलना बच्चा ऐसे सीखता है, फिर क्रॉल करना जिसे बोलते हैं, उसको वॉकर पे, फिर वॉकर पे डाल देते हैं, इनको सीधा ही 60 FPS पे चलना सिखाया होगा रॉकी भाई को, तेज चल रहा है, धीरे चल, तू रॉकी है, कौन सी फिल्म को बैकग्राउंड म्यूजिक हम दे रहे हैं, इसी का ही है, इसका हाँ ये वो वाला है ना दूसरा, ऐसे थोड़ी यार फैन हूँ यार, हाँ पक्के फैन है, और क्या, तो रॉकी भाई को बचपन में माँ ने चलना ही वैसे सिखाया होगा, धीरे चल और धीरे और माहौल ले, हवाबाजी में आ, तू रॉकी है, मेरा बेटा है, अंकल ने तुझे क्या बोला, हेलो बेटा कैसे हो, गाली बकुस, हाँ बुड्ढे नहीं वही वही माहौल वाला जवाब ना, और बेटा कैसे हो, हालात कमा रहा हूँ लेकिन आज हूँ कल तक नहीं रहूंगा, मेरा भी वक्त आएगा और बुड्ढे तेरी मां, सच में भाई वो ऐसे ही जवाब देता है, रॉकी भाई तो बोलेंगे नमस्ते अंकल जी ठीक है पढ़ाई बढ़िया चल रही है, आज मेरे हालात अच्छे लिए लेकिन कल जब मेरे हालात बढ़िया बनेंगे तो सबसे पहले बुड्ढे तेरी बात निकली, फैसला कैसे रॉकी भाई ने आगे बढ़ते बोलने लग जाएंगे फिर रॉकी भाई को, पहले लोग हम चाहते बोले इन दोनों का पास्ट भी दिखाया जाता है कि कैसे ये किंगपिन बने, और कंगना का क्योंकि कंगना के कैरेक्टर यानी अग्नि का एक हिस्ट्री भी है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो इंडिया जाने से बचना चाह रही है बट उनके लिए जॉब भी सब कुछ है, तो मिशन के लिए उन्हें आना पड़ता है क्योंकि अर्जुन रामपाल और ये जो अपनी दिव्या दत्ता है इनके बारे में एजेंसीज को बिल्कुल नहीं पता है, और उनका है कि सबसे काबिल अफसर को ही बुलाएंगे जिनका फिल्म में लीड रोल है, जो फिल्म की प्रमोशन सबसे अच्छे से कर रही है तो उन्हीं को बुलाया जाता है, और
फिर दोनों चीजें पैरेलल ही चलती हैं, हम कंगना के पास्ट के बारे में भी जानते जाते हैं, विलेन के पास्ट के बारे में भी जानते जाते हैं, इनके प्लान्स क्या है फ्यूचर के, कैसे क्राइम को बड़ा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके बारे में पता लगता है, एंड देन इट इज ऑल अबाउट कि हाउ इवेंचुअली वो उन तक पहुंचेंगी। अब इस पे आते हैं कि हमें क्या अच्छा लगा। तो अगर आप एक्शन के फैन है, ये आपका जॉनर है इस तरीके का एक्शन, और ऐसा हॉलीवुड में बहुत होता है, हम लोग एक्शन मूवी उनकी देखने जाते हैं, तो अगर आपको वैसी फिल्म पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। इट इज फॉर यू। एक्शन इसका बहुत अच्छा है, हॉलीवुड लेवल का एक्शन है। एक्टिंग सबकी बहुत सही है कि कंगना उस एजेंट के रोल में चश्ती हैं, जब एक्शन करती हैं, जब ट्रॉमेटाइज होती हैं अपने बचपन को लेके तो वो इमोशन भी उनका अच्छे से झलकता है, जब वो उनकी और कभी कभी वो वाला इमोशन भी उनका बाहर आता है ना, जब वो अपने बचपन से रिलेट करती हैं किसी चीज को लेके, किसी पे प्यार उमड़ता है उनका, मतलब कई तरह के रस दिखाए उन्होंने अपनी एक्टिंग में। हाँ, और वो सब के सब बढ़िया। ये जो आपने अनुष्ठान के बाद जो रस बोला है, ये भाषा को आपने संजो के रखा हुआ है यार। ऐसे ही थोड़ी यार, ऐसे थोड़ी यार, ऐसे ही थोड़ी यार, लिख के लगता। कंगना नहीं, अर्जुन रामपाल को देख के भी अच्छा लगता है स्क्रीन पे, वो बढ़िया दिखते हैं। एक कमी मुझे लगती है, कुछ ज्यादा ही भारी आवाज कर दी है, काफी डायलॉग समझ में भी नहीं आ रहे थे मुझे तो। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा ऐसा होगा। वो मेरी तो ऐसी आवाज सुबह 4 बजे निकलती है बस, वो जब सो के उठा है लेकिन। हाँ, और तब मैं चाहता हूँ कि कौन सा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर दूँ, बात करूँ, तब उस टाइम कोई सो के उठानी होता है। क्या सही है, वो है स्टोरी, ये दिस इज एवरी हॉलीवुड स्पाई फिल्म एवर। मतलब हॉलीवुड मूवीज आपने बहुत ऐसी देखी होंगी, कोरियन मूवीज आपने बहुत ऐसी देखी होंगी, उनका हर शो यही होता है, यही होता है कि एक स्पाई को एक चाइल्डहुड ट्रॉमा है। बहुत कुछ नया नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे लिए बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के स्टैंडर्ड के हिसाब से नया है और ब्रेव अटेम्प्ट है, इसके लिए तारीफें बिल्कुल होनी चाहिए। तो हॉलीवुड और नीचे बॉलीवुड के बीच में ये कहीं फिल्म रह जाती है, जो कि थोड़ा सा हल्का सा लगता है कि अटेम्प्ट इनका हॉलीवुड का ही था वो, बट उसको कुछ कमी रह गई। वैसे कमी वो मुझे लगता है कि वो कहानी में कमी रह गई, बाकी चीजें तो बढ़िया थी। हाँ। मतलब जैसे अगर हम डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या वो चीज है, तो अब ये ना बैलेंस नहीं बना पाए। आपको क्या करना होता है, अगर हीरो को बड़ा दिखाना है, अपने एजेंट को बड़ा दिखाना है, तो विलेन भी उतना बड़ा दिखाना पड़ेगा। अब इन्होंने विलेन को तो बड़ा दिखाया कि वो इतना क्रूर है, लुक से बड़ा दिखाया, क्राइम उतना बड़ा नहीं दिखाया हमें, उसके उससे नफरत उसके क्राइम की वजह से नहीं हुई। हाँ, और क्राइम बड़ा एज इन कि ठीक है विमेन ट्रैफिकिंग अपने आप में गलत काम है, बट वो हेट तो करवाओ पहले, दिखाओ कि वो विमेन ट्रैफिकिंग वाइज कितना क्रूर है। मुझे लगता है वो और ज्यादा दिखा सकते थे, जिसमें नहीं गए वहां थोड़ा सा टच करके बस आ गए, और उसके भी ना मल्टीपल ट्रैक रखे कि दिव्या दत्ता का कैरेक्टर जो था वो अलग तरीके के बैकग्राउंड से उठ के आई, अर्जुन रामपाल का अलग उठ के आया, थोड़ा सा एक मुझे लगता है उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं थी। और बाकी बॉलीवुड के लिए अच्छी बात है कि वो नई चीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, फुल मार्क्स फॉर दी अटेम्प्ट, बट कुछ तो कमी रह गई। सैमी उन्जॉय हमने इसको किया, फुल उन्जॉय कर लेते अगर स्टोरी में कुछ नए एलिमेंट आ जाते और कुछ ट्रैक्स कंप्लीटली कवर हो जाते, अदरवाइज अगर एक्शन के आप शौकीन हैं तो आपको देख लो जाएगी, बिल्कुल देख लो, आप देख सकते हैं। स्टुपिडिटी ऑफ द वीक में हम इस बार क्रेडिट पूरा पूरा बोलना चाहेंगे, जाता है भाई कांग्रेस पार्टी को, जब उन्हें अपने हालात पे चिंतन करने की जरूरत है, अपनी सीटें सिकुड़ती जा रही हैं, बंदे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पुराने पुराने बंदे, नए नए बंदे, हाँ। छोड़ छोड़ के कल्टी मार रहे हैं, कल्टी मार वो चिंतन शिविर बिठा रहे हैं, लेकिन किस बात का, देश की अर्थव्यवस्था पे। अरे अपनी व्यवस्था की चिंता कर लो भाई पहले, और उसमें फिर कैसे रिजोल्यूशनों पे बात हो रही है कि परिवारवाद खत्म करना है पार्टी से पहले। ये और ये बात कौन कर रहा है, राहुल गांधी के मुंह से बात कैसी लग रही है यार, कैसे रॉबर्ट वाड्रा सोच जमींदारी के खिलाफ हो जाए कि भाई 100 गज से बड़ा प्लॉट किसी का नहीं होगा, आज इसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। मोदी जी बोले कोई मंदिर नहीं जाएगा। ये कैसी बात है कि इनके मुंह से थोड़ी अच्छी। विराट कोहली बोले कि भाई सिर्फ तला भुना खाना है भाई, जिम बंद करो, ये बातें अच्छी लगेंगी लोगों के मुंह से। ये तो ऐसी बात है कि अगर किसी को बोलनी भी हो ना, जैसे मेरे को बोलनी हो तो मैं बोलूंगा कि चल मैं बाहर बैठा हूँ, तू ये बात कर ली, तू ये बात कर, क्योंकि मुझे शर्म आएगी भाई ये बात कर, मेरे सामने खुद ही हरकत कर रहा हूँ। हाँ, मेरे सामने ये बात है, कैसे कैसे हो सकती है, अजीब बात है। कोई खौफ, कोई डर, कुछ टेंशन वेंशन है नहीं है यहाँ, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी टेंशन रहती है भाई, कल को नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, इन्हें है ही नहीं, इनकी प्रॉपर्टी नहीं है भाई। तू ये लगा ना, राहुल गांधी तो अगर सिर्फ सामान बेचना भी चालू करेगा ना अपना, है ना, हाँ, प्रॉपर्टी निकालनी शुरू करेगा अपनी, तो उसकी लाइफ निकल जाएगी। तो जैसे सस्टेनेबल फैशन होता ना, आई थिंक राहुल गांधी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की, पार्टी तो करनी है नेपाल में कर लो, करेंसी पार्टी करनी है, अब इतना छोटा भी नहीं हो कि हौज का जाके करूं, फॉरेन तो जाना चाहिए मुझे, इतने पैसे भी नहीं है, नेपाल चल देता हूं। तो अरे तो कोई नहीं, किस दिन राहुल गांधी का भी वो आ जाएगा ट्वीट, सत्य विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, मैं चलता हूं बीजेपी, राहुल गांधी ने भाजपा ज्वाइन की, चलता हूं बीजेपी में, वेटिंग फॉर दैट डे, जिस दिन वो हो गया ना वो तो बर्न है फिर असली,
इसके लिए हम लड़ रहे थे, सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का तो कटता है यार, हम इसके लिए लड़ रहे थे। कल तक यार मैं हार्दिक पटेल के लिए लड़ाई करता था यार, ये पार्टी बदल ली, ये तो पार्टी बदल दी, तारीफ कर रहा दूसरे वाले की, चल कल चला जाएगा। मैं तो कल तक मुनावर को गाली बक रहा था, और कंगना के झगड़े, इसने इनाम ले लिया, इसने इसको पैसे दे दिए। तो भाई कुछ नहीं रखा इन झगड़ों में, सब साथ में, कैपिटलिज्म से चल रही है दुनिया, ये बस याद रखो। और लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब करते रहो। वर्चुअल हल, वर्चुअल वर्चुअल हल।